खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। सपा पूर्व प्रदेश सचिव संजय कश्यप, पूर्व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी छात्र सभा मुकुल सिंह आशा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड रामज्ञान गुप्ता ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सपा नेताओं ने मांग की कि देश में लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक आस्था के केंद्र, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सहित सभी तीर्थ स्थलों को बंद कर दिया गया था। अब जब देश में सभी प्रतिष्ठान, कार्यालय, दुकानें व मार्केट नियमों के अनुसार खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन अभी धार्मिक आस्था के केंद्र बंद है। समाजवादी लोग मांग करते हैं कि सभी धार्मिक आस्था के केंद्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए खोलने की अनुमति प्रदान करें। वहीं देश में हजारों की संख्या में लोग जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन हरदोई के संडीला में 24 मई को मुंबई से दिल्ली होते हुए लखनऊ जाने वाले श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस संडीला के पास रुकने से भीषण गर्मी व भूख से परेशान महिलाएं, बच्चे व पुरुषों का बुरा हाल था, जिसकी सूचना मिलते ही आसपास के मोहल्ले के लोगों ने मानवीय दृष्टिकोण से उन श्रमिक प्रवासियों को भोजन, पानी, फल वितरित किया। यह सामाजिक कार्य प्रशासन से अनुचित मानते हुए श्रमिकों को भोजन, पानी बांटने वाले 12 नामजद व 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। इस संबंध में समाजवादी लोग मांग करते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए सभी पर मुकदमा वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर सुधीर गुप्ता मिन्ना मौजूद रहे। देश में लॉकडाउन के चलते पूरा देश बंद है। हम सब समाजवादी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट हरदोई को सौंपा है, जिस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि पूरे हिंदुस्तान के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बंद हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इन सबको खोला जाए। और एक घटना हमारे यहाँ हरदोई संडीला में हुई है, जो श्रमिकों को लोग पानी, बिस्कुट वगैरह वितरित कर रहे थे, उन पर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा लिखा गया है। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उस मुकदमे को वापस लेने की भी मांग करता हूँ। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।